ट्रूपर तेजपाल गांव भिड़ूकी जिला पलवल, सिपाही संजय यादव गांव नूनी अवल जिला महेंद्रगढ़, सिपाही रविंद्र सिंह गांव पोता जिला महेंद्रगढ़। ये सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। ये सदन सांसद श्री धर्मवीर सिंह जी के पिता श्री भलेराम, विधायक श्री मामन खान जी के ससुर हाजी सुल्तान खान, विधायक श्री लीलाराम जी की सास श्रीमती केसरी तथा विधायक श्री अमित स्याग जी की ताई श्रीमती कमला देवी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। अध्यक्ष महोदय, जैसे नेता सदन ने शोक प्रस्ताव रखे हैं, ये सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री कंवल सिंह के 7 फरवरी 2024 को दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 20 नवंबर 1937 को हुआ। वे वर्ष 77, 82 और 96 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 97 से लेकर 99 के दौरान विकास एवं पंचायत मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव 2। ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार है: निरीक्षक जग महेंद्र सिंह गांव इस्माइला जिला रोहतक, सूबेदार जंगशेर सिंह गांव करसोला जिला जींद, हवलदार सत्यवान सिंह गांव मोहनगढ़ छापरा जिला जींद, लांस नायक अभय राम गांव चौड़ा जिला झज्जर, लांस नायक आशीष गांव तगड़ौली जिला महेंद्रगढ़, लीडिंग एयर कैप्टन नितिन कुमार गांव बदवाना जिला चरखी दादरी, पैरा ट्रूपर तेजपाल गांव बिडुकी जिला पलवल, सिपाही संजय यादव गांव मुनी अवल जिला महेंद्रगढ़, सिपाही रविंदर सिंह गांव पोता जिला महेंद्रगढ़। यह सदन इन वीरों के शहादत पर सत सत नमन करता है और शोक संपत्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव 3। यह सदन सांसद श्री धर्मवीर के पिता श्री भल्लेराम, विधायक श्री मामन खान के ससुर हाजी सुल्तान खान, विधायक श्री लीलाराम की सास श्रीमती केसरी तथा विधायक श्री अमित सियाग की ताई श्रीमती कमला देवी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर नेता प्रतिपक्ष ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 1 मिनट का मौन धारण करें।
धन्यवाद। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं 17 फरवरी 2024 के लिए निम्नलिखित सदस्यों को चेयरपर्सन के नामों की सूची पैनल ऑफ चेयरपर्सन में कार्य करने के लिए नामजद करता हूं। श्री मोहनलाल बड़ौली जी, श्रीमती निर्मल रानी जी, श्री वरुण चौधरी जी, श्री ईश्वर सिंह जी। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती शकुंतला खटक विधायक ने ई मेल के माध्यम से सूचित किया है कि वह निजी कारणों की वजह से आज दिनांक 20 फरवरी 2024 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं। इसी प्रकार श्री अमित सिहाग विधायक ने भी ई मेल के माध्यम से सूचित किया है कि दिनांक 19 फरवरी 2024 को उनकी ताई जी के देहांत होने के कारण वह आज दिनांक 20 फरवरी 2024 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से श्री अमरजीत ढांडा विधायक ने भी पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वह घरेलू कार्यों की वजह से आज दिनांक 20 फरवरी 2024 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मैंने और श्री रणबीर गंगवा उपाध्यक्ष ने दिनांक 27-28 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा में आयोजित 84वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें निम्नलिखित संकल्पों को पारित किया गया। संकल्प एक, संसद और राज्य केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडलों से आग्रह करता हूं कि वे वर्तमान वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के अर्थ और भावना के अनुसार विधायी निकायों के प्रभावी कामकाज में सक्षमता लाने के लिए प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों की समीक्षा एवं उसे संरेखित करें। संकल्प दो, हमारे देश के जीवांत और प्राचीन लोकतांत्रिक श्लोकाचार को और अधिक मजबूत करने में सहायता के लिए जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकाय की क्षमता निर्माण में प्रभावी कदम उठाने के लिए संसद, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, विधानमंडलों को प्रोत्साहित करें। नागरिकों के साथ दक्षता, पारदर्शिता, उत्पादकता और जुड़ाव में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए भारत के विधायी निकायों को सिफारिश करता है। संकल्प चार, विधायी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कार्यपालिका की जवाबदेही लागू करने में उनकी प्रभावीशीलता में सुधार करने के तरीकों और साधनों का पता लगाने का संकल्प लेता है। संकल्प पांच, संकल्प है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन विधानमंडलों के बीच संसाधन और अनुभव साझा करने और नागरिकों के साथ घनिष्ठ सार्वजनिक जुड़ाव के लिए एक राष्ट्र एक विधान मंच को लागू करने के लिए सक्रिय कदम उठाएगा। माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे। महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधानसभा ने अपने दिसंबर 2023 में 70 में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है को नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर सदन की मेज पर रखता हूं। हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा विनियोग संख्या 5 विधेयक 2023 और हरियाणा विनियोग संख्या 6 विधेयक 2023। माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य
माननीय सिस्कन और मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारणी प्रस्तुत करता हूं। समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान विधानसभा की बैठक मंगलवार 20 फरवरी 2024 को 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा 6 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी। मंगलवार 20 फरवरी 2024 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात विधानसभा की बैठक आरंभ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात स्थगित होगी। समिति ने आगे सिफारिश की कि बुधवार 21 फरवरी 2024 से शुक्रवार 23 फरवरी 2024 को विधानसभा की बैठक 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा 6 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी। समिति ने आगे यह भी सिफारिश की कि सोमवार 26 फरवरी 2024 तथा मंगलवार 27 फरवरी 2024 को विधानसभा की बैठक 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा 6 बजे सायं स्थगित होगी तथा बुधवार 28 फरवरी 2024 को विधानसभा की बैठक 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी। कुछ चर्चा के पश्चात समिति ने आगे सिफारिश की कि मंगलवार 20 फरवरी 2024 से शुक्रवार 23 फरवरी 2024 तथा सोमवार 26 फरवरी 2024 से बुधवार 28 फरवरी 2024 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा। मंगलवार 20 फरवरी 2024 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात सदन की बैठक होगी। नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना, शोक प्रस्ताव, कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना, नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र, विशेषाधिकार समिति की प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा उस पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा, बुधवार 21 फरवरी 2024 11 बजे प्रातः प्रश्नकाल, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान, विधायी कार्य, वीरवार 22 फरवरी 2024 11 बजे प्रातः प्रश्नकाल, वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान, नियम 121 के अधीन प्रस्ताव, विधायी कार्य, शुक्रवार 23 फरवरी 2024 11 बजे वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना, 24 फरवरी और 25 फरवरी को छुट्टी रहेगी, 26 जनवरी प्रातः 11 बजे प्रश्नकाल, वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा, विधानसभा समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, विधान कार्य, मंगलवार 27 फरवरी 2024 11 बजे प्रातः प्रश्नकाल, वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभण तथा वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमानों पर तथा वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की मांगों पर वित्त मंत्री द्वारा उत्तर तथा मतदान, विधान कार्य, बुधवार 28 फरवरी 2024 प्रश्नकाल, निरंतर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव, अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव, रखे जाने वाले कागज पत्र यदि कोई हो, विधानसभा समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुमानों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक, वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमानों के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक, विधान कार्य, कोई अन्य कार्य। अब संसदीय कार्यमंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, ये बीएसई के बारे में मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल, कि एक मुद्दा आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद छुट्टी की जाती बहस के लिए, डिस्कशन के लिए नेक्स्ट डे किया जाता है, तो मेरे को ये बताया गया दफ्तर से कि नहीं ऐसा होता रहा, ऐसा नहीं हुआ कभी, एक दफा हुआ 1900 जब से मैं विधायक बना हूं, मेरे को गलत बताया गया
सदा ये हुआ राज्यपाल अभिभाषण के बाद छुट्टी कर दी जाती है, है? बजट सेशन बजट सेशन सिर्फ एक बार बजट सेशन नहीं था, 19 में जब हुआ बजट सेशन नहीं था, 2005 में भी हुआ है, 2019 में भी हुआ है, लेकिन अभी भी मैं आपको 5 मिनट में मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि बजट सेशन में नहीं हुआ था अभी। हाँ जी, 14 मैं अभी मैं बजट सेशन की बात कर रहा हूँ, बजट सेशन में नहीं हुआ ये। मैं अभी एक बार 5 मिनट देंगे, मैं इसका आपको देख करके बताता हूँ। उसने आपके सामने अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ये सदन कार्यशाला यहाँ ऐसा नहीं होता, कभी एक्सेप्शन हो गई कभी दूसरी बात है, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है, राज्यपाल अभिभाषण के बाद छुट्टी कर दी जाती है, एडजॉर्न किया जाता है हाउस, जो आपकी जो और वो है वो कर सकते हैं। देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण तो केवल बजट सत्र में ही होता है, एक बोलना है लोगों ने, राज्यपाल का अभिभाषण तो केवल बजट बजट में ही होता है। क्या बात है, वो बोलेंगे एक मिनट, राज्यपाल का अभिभाषण। हाँ जी, नहीं, असेंबली का एड्रेस हुआ था बस, दैट्स ऑल। राज्यपाल का अभिभाषण तो लगभग बजट सत्र के बजट सत्र में ही होना चाहिए। बजट अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूँ। जो मुझे जानकारी है, तीन प्रकार से राज्यपाल महोदय का भाषण होता है। एक भाषण तब होता है जब असेंबली पहला अपना सेशन करती है, एक होता है जब बजट सेशन होता है, और मुझे शायद मैं इसमें ठीक है कि नहीं आप लोग पता कर लें कि जब नए राज्यपाल आते हैं तो उस नए राज्यपाल उन नए राज्यपाल के आने का भी जो पहला सेशन होता है उसमें होता है। तो इसलिए बजट सेशन में हमेशा जब जब हमने बजट प्रस्तुत किया है तो बजट जिस दिन प्रस्तुत किया जाता है, जिस दिन अनुमानित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, उस बजट के बाद काम नहीं होता, वरना राज्यपाल के बाद भी गवर्नर एड्रेस के बाद भी मैं बताऊं, आप रिकॉर्ड से चेक कर, मेरे पास ये रिकॉर्ड आ गया, 22 मार्च 2005 फर्स्ट सिटिंग गवर्नर्स एड्रेस डिस्कशन ऑन गवर्नर्स एड्रेस इन दी सेम सिटिंग, ये 2005 में आपके समय में है जी, एड्रेस फर्स्ट मार्च बजट सेशन था क्या ये, मार्च के अंदर बजट सेशन मार्च में गवर्नमेंट बनी थी उस टाइम। हाँ जी, गवर्नमेंट ही बनी थी, इलेक्शन हुआ था, सरकार बनी थी, सरकार बनी थी उस टाइम भी गवर्नर एड्रेस था, तो अभी गवर्नर एड्रेस तो गवर्नर एड्रेस है जनाब, उस टाइम सरकार बनी थी, परफॉर्मेंस सरकार की अगले साल वो गवर्नर एड्रेस देगा उसी पे तो काउंट करेंगे, उस टाइम सरकार ही बनी थी। स्पीकर सर, हमारा कोई रूल या प्रेसिडेंट पे जाने की वो नहीं है, हमारा सबमिशन ये है कि किसी मेंबर को इतनी महारत हासिल नहीं है कि ऑन द सेम डे गवर्नर एड्रेस आए और उसके ऊपर अपनी एक जस्टिफिकेशन नहीं होती, उसके अपने संवैधानिक कर्तव्य मैंने तो नहीं होती मेरा, मैंने तो जो बीएससी तो के अंदर यह है कि हुआ वो पढ़ करके सुनाया तरह से अपनी उसी में ये दो दिन की जो चर्चा है उसी में ये तय हुआ कि 20 तारीख और 21 तारीख को दो दिन चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय देखिए, आप मीटिंग में थे, मैंने इस बात का ऐतराज किया था कि भाई ये इसके बाद छुट्टी होनी चाहिए, तो मेरे को ये बताया गया नहीं ऐसा होता रहा है, हालांकि मेरे समय में तो मेरे को याद नहीं था, मैंने कहा कभी हुआ हो तो पता नहीं, लेकिन अब मैंने आज पता किया केवल 19 ये हुआ। तीन बार ऐसा हुआ है, तीन बार एक दो कितनी तरह 25-60 साल में तीन बार हो गया, तो दैट इज एक्सेप्शन, और तीन बार ही 14-3-2000, 10-3-2003 और 13-2-2009 को ही ओनली प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हुआ है, बाकी उसके बाद छुट्टी कर दी। ये तीन बार ऐसा हुआ है, तीन बार वैसा हुआ है, लेकिन ये है कि अगर आपको लगता है कि ये मतलब अगर ये तो मैंने तो जो बीएसई में तय हुआ वो पढ़ करके सुनाया, अगर जो हाउस की जो राय हो, अगर लगता हो कि कल ही डिस्कशन होनी चाहिए, मैं देखे मैं जो बीएससी में तय हुआ उससे मैं अलग नहीं हूँ, लेकिन बीएससी में जो मेरे को बताया गया, हाँ जी, वो मेरे को गलत बताया गया। नहीं है नहीं, बताया तो ठीक ही किया, पर उस टाइम ये बताया गया अध्यक्ष महोदय कि ये होता रहा है, हाँ। दो बार तीन बार हुआ तो इट इज एक्सेप्शन, तीन बार ही मैं तो इन्होंने कन्वेंशन, अगर उससे पहले की रिपोर्ट है वो बाद में निकलवा लेंगे, एक्सेप्शन तो बहुत बार होती है,
चलिए अब आप क्या, अब आप क्या चाहते हैं? एक्सेप्शन कार्ड भी अब आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, मुझे ये बताइए। अब तो चाहते हैं डिस्कशन कल पे करो, आज करें तो डिस्कशन का टाइम कम हो जाएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर फिर ये ना कहना कि डिस्कशन का टाइम कम हो गया, आज एक्सटेंड कर लेंगे। हाँ जी, नहीं अगर आप बात चाहते हो हाँ जी तो आज उसको टेबल करवा दो, तो जो ट्रेजरी बेंचेज के दो मेंबर हैं हाँ। और धन्यवाद, आज ट्रेजरी बेंचेज के दो मेंबर को मिलवा दो, और जो डिस्कशन है जो ओपोजिशन की तरफ से आएगा उसको कल करवा। जब आपने यही है कि भाई आज हमने करवाना है, उसको टेबल करना है, तो इस तरह करें। टेबल तो हो गया, नहीं टेबल तो हो गया, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव जो मूव करेगा, डिस्कशन ऑन गवर्नर एड्रेस जो है, प्रस्ताव तो मूव करेगा, मूव तो करेगा ना, हाँ जी सेकंड तो करेगा कोई, जब भी तो हम कोई कोई मूव तो करेगा ना, मूव तो करेंगे, मूव तो करेंगे, तो वो करवा लो और उसके बाद करवा दी, और कोई बिजनेस और नौकर और जैसे आपके ऑप्शन हो कर लो। नहीं बाकी मुझे तो ये है कि बाद में बोलने में समय कम रहेगा, फिर आपको दिक्कत होगी। अब संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। हाँ जी कर दिया, जो आपने कहा कि दो मेंबर बोलेंगे उसके बाद स्थगित कर देंगे, जो कल से फिर उसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाएगी, लेकिन चर्चा का समय वही रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। प्रश्न है, जब आप घर बना जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें, हां पक्ष की जीत हुई, हां पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, रिपोर्ट स्वीकार हुई। महोदय एक छोटा प्रस्ताव हो रहा है जी। हाँ जी माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों की तरफ से सुझाव आया है कि सदन में बजट सत्र का समय 11 बजे शुरू होकर 5:30 बजे तक किया जाए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस सुझाव में सदन की सहमति ले ली जाए। देखिए बहुत सारे सदस्यों ने मुझे आकर के निवेदन किया कि 5 बजे के बाद यहां पर हाउस के अंदर जो हाजिरी है वो सिर्फ 15% या 20% रहती है। अगर है जी नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, आप सदस्यों की राय थी कि ये जो लंबा होता है 11 बजे से 6 बजे तक है जी, ठीक है, ये तो रूल्स कमेटी में भी कल हो गया। हाँ जी भाई 11 से 5 तक हो गया। हाँ जी देखो तो आगे के लिए लागू होगा ना, इसलिए आज अगर सदन कहेगा, आज सदन कर सकता है प्रस्ताव, अगर आज सदन कहेगा तो आज भी 5 बजे। आज आज जो कह रहे हो, जैसे आज आपने कहा, हमने कहा था गवर्नर टाइम कम रह जाएगा, हाँ। तो इस सदन में तो यही रहने दो, 3 दिन का सदन रखा है हमने, 1 घंटा का। आदमी अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि अगर 11 से 5 करते हैं उसके बाद भी आपके पास अधिकार है उसको एक्सटेंड करना है, जब तक करते रहेंगे 5 का 6 करना है, नियम का विषय है, नियम अगर करना अगले अगले सेशन से हो रहा है, रूल्स कमेटी पास कर रही है, रूल्स कमेटी में आ जाएगा अगले सेशन से, तो यही टाइम हो जाएगा 11 से 5 जो एग्रीड है। इस सेशन में क्योंकि टाइम की कमी है, जैसे आज भी 2 ही बोलेंगे, फिर गवर्नर कल शुरू करेंगे, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या 3-4 दिन में इसमें सेशन में रहेंगे। अगले रूल्स कमेटी ने तो कर ही दिया, रूल्स कमेटी के रिकमेंडेशन हाउस के अंदर आएंगी, उसमें पास हो जाएगा। सर स्पीकर सर, स्पीकर सर एक मिनट, एक बात का बड़ा अजीब सवाल है कि वाई द गवर्नमेंट इज शिफ्टिंग द बजट, उसका समय कम क्यों कर रही है, व्हाट इज द रीजन? मैंने तो कोई नहीं कर रहा ये, और क्या आप लोगों के देखिए, एवरी स्टेट में अंदर बजट सेशन 10 दिन से कम नहीं होता जी, मैक्सिमम नहीं नहीं बत्रा जी, एक बार जो हुड्डा साहब ने बोल दिया, मैं हाँ जी जो आदरणीय
मंत्री जी की तरफ से प्रस्ताव आया था कि इस सदन में जो सदन का समय है वो 11 से 6 बजे तक ही रहेगा, लेकिन एज रिकमेंडेड बाय द रूल्स कमेटी वो अगले सत्र से वो जो उसका समय है वो 11 से 5 बजे हो जाएगा। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेता प्रतिपक्ष तथा 25 अन्य विधायकों से हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार है। हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं, अनुरोध करता हूं कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। चूंकि 18 से अधिक सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हैं, इसलिए इस पर अब दिनांक 22 फरवरी 2024 को चर्चा के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। 2 घंटे हो गए। माननीय सदस्यगण, 2 घंटे पर माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन में निवाम पोर्टल के माध्यम से कागज पत्र रखेंगे पुनः रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवाम पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 49 तक पुनः रखता हूं एवं इसके साथ ही पत्र संख्या 50 से 59 तक रखता हूं। माननीय सदस्यगण, अब श्री सत्यप्रकाश जरावता विधायक सदस्य विशेषाधिकार समिति, श्री जोगीराम विधायक तथा श्री अनूप धानक विधायक द्वारा श्री अभय सिंह चौटाला विधायक के विरुद्ध दी गई सूचना पर अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्रश्न संबंधी विशेषाधिकार समिति का 3री प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। सर, आई बेग टू प्रेजेंट द थर्ड पार्लियामेंट्री प्रीमली रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑफ प्रिविलेज विद रिगार्ड टू द क्वेश्चन ऑफ एलेज्ड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज गिवन नोटिस डेटेड 21 फरवरी 2023 ऑफ श्री जोगीराम सियाग एमएलए एंड श्री अनूप धानक एमएलए अगेंस्ट श्री अभय सिंह चौटाला एमएलए। द मैटर वॉज रेफर्ड by the House to the Committee of Privilege on 21st February 2023. The committee was required to make a report to the House by the first sitting of the next session, i.e. 20 February 2024. The committee has already requested on many occasions to Sri Jogiram MLA and Sri Anup Dhanak MLA to appear before the committee for their oral evidence. However, the honorable members have not appeared before the committee till now. The committee in its meeting held on 7 February 2024 decided to give another opportunity to Sri Jogiram Siag MLA and Sri Anup Dhanak MLA to appear before the committee for oral evidence as the issue is under active consideration of the committee and needs detailed examination and mandatory procedural aspects to be followed. Therefore, the committee recommends that the time for making the final report may be extended up to the first sitting of the next session. Therefore, I beg to move the time for presentation of the final report to the House be extended अप टू द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। प्रश्न है कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हां कहें।
जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हां पक्ष की जीत हुई, हां पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, समय बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्यगण, अब श्री कंवरपाल जी चेयरपर्सन हरियाणा विधानसभा की तथ्यान्वेषी समिति द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाणा मंडी जींद के तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री करतार सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में वर्ष 2005 से 2023 तक की अवधि के लिए सदन की अपनी बैठकें दिनांकित 15 तथा 18 दिसंबर 2023 में उल्लेखित चर्चा की गई। सभी घटनाओं की जांच के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधानसभा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो कि वास्तव में गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज, गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल उचाणा मंडी जींद के तत्कालीन प्रधानाचार्य करतार सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में वर्ष 2005 से 2023 तक की अवधि के लिए सदन की अपनी बैठक दिनांक 15 तथा 18 दिसंबर 2023 में उल्लेखित चर्चा की गई। सभी घटनाओं की जांच के लिए गठित की गई थी तथा हरियाणा विधानसभा के वर्तमान सत्र की पहली बैठक, जो कि आज 20 फरवरी 2024 को आरंभ हुई है, में इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। क्योंकि मामला अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए विस्तृत जांच के बिना समीक्षाधीन मामले पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। यह मामला कमेटी के सक्रिय विचाराधीन है। तदनुसार कमेटी अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय चाहती है। कमेटी आगे सिफारिश करती है कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय हरियाणा विधान